डी टबल एस बी का बैच ऑलरेडी कल परसों से शुरू हो चुका है निधि मैम स्टार्टेड विद हर ग्रामर क्लासेस आई एम गोइंग टू बिगिन विद माय लिटरेचर क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंडे दैट इज ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट सो फटाफट से जो है कोर्स में एनरोल कर लीजिए एनरोल करने का सिस्टम तो आपको पहले से पता ही है आपको हमारी वेबसाइट पर जाके एनरोल करना है मेरा कोड लगाना मत भूलना By 542, क्योंकि इससे आपको आपको मिलेगा 78 का maximum discount. और फिर से करवाना चाहती हूं, आपको की अप्रोच किसी भी और टीजीटी से काफी अलग रहती है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा अनडिफाइंड सिलेबस है इसमें इन लोगों ने आपको बेसिकली ये बोला हुआ है कि पीजी लेवल तक का पीजीटी में पीजी लेवल तक का सब कुछ आएगा अब सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है इज नो रेंज टू दैट सिलेबस सो इसकी तैयारी बेस्ट फॉर्म में अगर हम देखें वो हो सकती है नेट की तैयारी के अकॉर्डिंग अगर आपको यूजीसी नेट की तैयारी करना आता है तो आप इसकी इस पेपर को क्वालिफाई करने लायक बनेंगे वरना तो आप लेवल में आप कंपटीशन में ही नहीं आते हैं तो दिल्ली के काफी लोग जो नेट के लिए वैसे ही ट्राई कर रहे होते हैं वो ट्राई करते हैं इस पेपर के लिए कॉम्पिटिशन टफ है सीट लिमिटेड है पर किसी ना किसी का तो देखो सिलेक्शन होना ही है वाइड

तो आपको वो बेनिफिट मेरे साथ डी ट्रिपल एस बी में मिलेगा दूसरा डी ट्रिपल एस बी के पेपर में दिल्ली यूनिवर्सिटी जे एन यू वगैरह के सिलेबस के बुक से क्वेश्चन आने के चांसेस हाई रहते हैं क्योंकि उसी स्टेट का है तो मेरी एजुकेशन भी डेली यूनिवर्सिटी से है सारी की सारी तो मेरे को है आइडिया कि यूनिवर्सिटी में हमारे इंग्लिश के सिलेबस में मास्टर्स में बैचलर्स में क्या क्या है तो मैं आपको उस अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी स्ट्रेटेजी ऐसी रखेंगे कि भाई पेपर के हिसाब से पढ़ना है हमने दुनिया जहान की चीजें नहीं पढ़ लेनी है ठीक है ना चलो अच्छा नेट के लिए अगर आप लोग सीरियस हो नेट के लिए भी मैं आपको बता दूं हमारा नेट का बैच भी लॉन्च हुआ हुआ है ये ये भी देख लो एक बार नेट का बैच भी ना लॉन्च है हमारा सो so, जिस चीज को नेट में इंटरेस्ट है अगर आप सिर्फ इंग्लिश की क्लास लेना चाहते हो तो मेरा ये वाला कोर्स है जो कूपन कोड लगाने के बाद आपको पड़ेगा वा, आ, वाई फाई फोर टू कोड तो याद ही होगा आपको वैसे अठारह हजार का कोड लगाने के बाद ही आपको पड़ेगा चार हजार रुपए का ठीक है आप सीधा सीधा कंप्लीट प्राइस बता रही हूँ जिस जिसको नेट देना है कि ये पड़ेगा चार हजार का अगर आपको पेपर वन और टू दोनों की तैयारी करनी है ठीक है पेपर वन और टू दोनों की तैयारी करनी है नेट में साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी चाहिए फ्री ई बुक्स भी चाहिए ये सब आपको चाहिए तो सिर्फ हजार रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे कूपन कोड लगाने के बाद ये पड़ेगा आपको सिर्फ और सिर्फ पाँच हजार रुपए का ठीक है तो चार हजार रुपए पांच हजार रुपए उसी के साथ साथ ये वाला जो हमारा है पेपर वन का अकेले का बैच अगर आपको लगता है कि सिर्फ पेपर वन की तैयारी करनी है तो लेकिन देखो दोनों पेपर में आपको मिनिमम चाहिए वरना पेपर नहीं क्वालिफाई होगा नेट का तो मेरे हिसाब से कॉम्बो लेना बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर जो है आपको सिर्फ हजार रुपए ज्यादा देके फ्री टेस्ट सीरीज ई बुक्स पेपर वन टू दोनों की तैयारी मिल रही है तो जो नेट के लिए भी लोग इंटरेस्टेड है ही बैच शुरू हो रहा है फटाफट से जो है एनरोल कर ले सबके सब ठीक है और डी ट्रिपल एस बी वाले बैच के लिए भी एनरोल कर लें अगर आप सीरियस है तो क्योंकि आपको मैं बताऊंगी कैसे अलग मतलब अब ये स्मार्ट स्टडी जो होती है ना बहुत जरूरी है एग्जाम्स में आप गधे घोड़ों की तरह लगे नहीं रह सकते कि भाई सब कुछ ही कर लो सब कुछ ही कर लो हर हर एजुकेटर का एक एस्टिमेट होता है अपना कि भाई पेपर में ज्यादा कहाँ से पेपर आ रहा है तैयारी कहाँ से हो रही है और किसी भी एजुकेटर का सक्सेस रेट उसी के साथ जुड़ा है कि उनका एस्टिमेट कितना एक्यूरेट है पेपर के हिसाब से ठीक है तो आपने बस अपनी मेहनत जारी रखनी है थोड़ा सा मेरे पे विश्वास रखना है दैट्स ऑल ठीक है जी हाय गाइस गुड इवनिंग कैसे हैं सारे के सारे बताइए क्या चल रहा है तो मैम आपने जॉब 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 मैं मैं अब अब नहीं करती अडा पे पढ़ाती हूँ आपको यही मेरी जॉब है ठीक है जी जी तनु बैच के बारे में एक बार देख लेना एनरोल कर लो फटाफट से क्योंकि मंडे से क्लासेस शुरू हो रही हैं ये क्लासेस जो है डी ट्रिपल एस बी और नेट की मंडे से शुरू हो रही हैं गाइस ठीक है तो इसलिए फटाफट से आपस में कर लो टीजीटी की पेड क्लासेस जो है टीजीटी वाला पार्ट खत्म हो गया है आरती अब हम पीजीटी वाले पार्ट और में रिज्यूम कर चुके हैं बेसिकली तो इसलिए आप जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं आप वहां से जो है पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है जी चलो इसी के साथ आज के टॉपिक को जो है शुरू करना चाहती हूँ बैच के बारे में तो बात करते ही रहेंगे आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पैराडाइज लॉस्ट और मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर टॉपिक्स थे ये बहुत लोगों ने मुझे खासकर यू नो रिक्वेस्ट पे पूछा मैम फटाफट से बस पैराडाइज लॉस करा दो समझ नहीं आ रहा है समरी नहीं आ रही अच्छे से अंकिता एंड वर्षा गुड इवनिंग कैसे हैं आप दोनों आई एम वेरी वेरी वेल थैंक यू सो मच मैंने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी उसका रीजन ये है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब करने का एजुकेशन में एंटर करने का पर्पज एक था टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी

सो दैट्स दैट अलॉट ऑफ पीपल वर मिसिंग मी तो मुझे दो ढाई साल तक लोग मैसेज टेक्स्ट करते रहते थे मैम पढ़ना है आपसे पढ़ना है आपसे और मुझे कहीं कही ना कहीं लगा कि अगर अगर इम्पैक्ट क्रिएट करना ही है तो क्यों ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे किया जाए जहां मैं 50, 100 लोगों को नहीं बल्कि 5000, 10000 हज़ार लोगों की लाइफ में एक साथ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ इसी रीज़न से जो है मैंने इसको uh, जो है बेसिकली आई आई डिड दिस डिसीजन एंड आई फील इट वॉज अ वेरी वेल वेरी गुड डिसीजन ऑफ माई लाइफ ठीक है लेकिन हैविंग सेड दैट आई हैव ग्रेट रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब बोथ माय पेरेंट्स आर इन दैट जॉब मेरी मेटर uh, साइड भी थ्रू जनरेशन इसी जॉब में रही है टीचर्स हैं सब लेक्चरर्स हैं प्रिंसिपल्स हैं कॉलेज के तो मैं आपको कह सकती हूँ कि बड़ी कमाल की जिंदगी होती है एज अ लेक्चरार एज अ टीचर बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है रिवॉर्डिंग जॉब है वेल well पेइंग है आपको आपका लाइफ में रॉब तो बढ़ा ही देती है है ना तो हो um, yes. so, like, uh, मैं आप लोगों को बस एक बढ़िया वो पुश से ना आप अपने डेस्टिनेशन तक जो है बहुत जल्दी पहुंच जाओगे तो जो पेपर क्वालिफाई करने में लोगों को छह महीने दस महीने साल दो साल तीन साल लग जाते हैं आप लोगों की कोशिश करेंगे फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प में पेपर को क्वालिफाई कर दे ठीक है जी थैंक यू सो मच एग्जाम डेट्स अभी हमारे पास कोई नहीं है अभी तो हमें सिर्फ अपनी तैयारी ही करनी है तो अभी एग्जाम डेट्स का मत सोचो भाई पढ़ाई करो ठीक है जी आई आई एम एम गोइंग टू रिज्यूम अंकिता शैली के दो पोएम्स कवर डू दैट ठीक है ओके okay. मैंने ढाई साल जॉब की है प्रीति uh, तीन तीन साढ़े तीन साल कॉलेज में पढ़ाया है बहुत छोटी उम्र में जॉब पे लग गई थी एंड थैंक यू प्राची ढाई साल गवर्नमेंट जॉब थी उसमें से ठीक है थैंक यू पूजा थैंक यू चलो गाइस शुरू करते हैं आप लोगों को सिस्टम पता है क्या करना है मेरी क्लास में कीवर्ड्स में जो पढ़ाऊंगी साथ साथ लिखते रहना है फटाफट से कीवर्ड जो है टाइप 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 करते रहना ठीक है आ, बिल्कुल अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरा आप लोगों से इंटरेक्शन कैसे होता अगर इंटरेक्शन नहीं होता तो फिर आ, मुझे इतने प्यारे प्यारे चांस कहाँ से मिलते हैं ना चलो मैम प्लीज अटैच फॉर विदर्स क्लास ऑफ टीजी इंग्लिश जो YouTube वाली ली थी स्नेहा आप वो तो आप स्क्रीन ले सकते हो ना सारी स्लाइड्स का ठीक है थैंक यू वर्षा थैंक यू थैंक यू आशीष चलो शुरू करते हैं गाइस क्लास शुरू करते हैं हां जी पैराडाइज पैराडाइज लॉस्ट लॉस्ट के राइटर कौन है, तो हम सबको पता ही है जॉन जॉन मिल्टन मिल्टन ने इस बुक को लिखा था विद द पर्पस टू जस्टिफाई ठीक है अपने फर्स्ट बुक के में वो प्रोलोग टाइप का इंट्रोडक्शन टाइप दे रहे हैं उसमें वो बोलेंगे मैंने वर्क लिखा था टू जस्टिफाई ways of god to men okay to justify the ways of god to men okay also about the first sin committed by mankind of disobedience okay of disobedience and the eventual consequent fall of mankind okay ये तो हमारे प्रोलोग के कुछ इंपॉर्टेंट की हैं इसको सब लोग फटाफट से लिख लो फटाफट से अब फोकस सिर्फ पढ़ाई पे अभी कुछ देर और कोई बातें नहीं करेंगे ठीक है राजीव बैच लेना है कौन सा नेट वाला या ये वाला ले लेना चलो अभी तो पढ़ लो <laughs> ठीक है अभी पढ़ाई कर लो एक बार फिर बैच की बात कर लेंगे ठीक है हाँ जी कुछ की वर्ड यहाँ दिए मैंने आपको कि जॉन मिल्टन का ये वर्क है उन्होंने अपने प्रोलोग में हमें बताया है बुक वन में उन्होंने हमें कहा है कि मैंने ये वर्क लिखा था टू जस्टिफाई टू मैन पहली बात दूसरी बात वो कह रहे हैं इस work के थ्रू मैं फर्स्ट जो कमिट हुआ था mankind का, ठीक है जो disobedience commit हुई थी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं और कैसे उसके बाद जो है फॉल ऑफ मैनकाइंड हुआ था तो डिफरेंस क्या है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन में डिफरेंस क्या है डिसोबिडियंस <clears throat> हो जाती है और फॉल हो जाती है मैनकाइंड की पैराडाइज रीगेन में डिसोबीडियंस नहीं होगी टेम्पटेशन में नहीं पड़ा जाएगा और फॉल नहीं होगी ये डिफरेंस है बेसिक पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन में हाँ जी अपना खुद का एक इंट्रो वीडियो बना दूं, ठीक है जी जरूर एक दिन वन ऑन वन करेंगे जिसमें कि मैं अपने बारे में आपको बता दूंगी फिलहाल आप पढ़ाई कर लो फिलहाल आप जॉन मिल्टन का इंट्रो देख लो ठीक है अभी के लिए ये जरूरी है आपके पेपर के लिए हां जी तो जॉन मिल्टन का वेज ऑफ गॉड टू मैन इसकी जो पहली पब्लिकेशन है वो हुई थी 1667 में 1667 में गाइस ये जो बुक है हमारे पास ये टेन बुक्स के फॉर्म में आई थी ठीक है दस बुक्स के फॉर्म में आई थी लेकिन फिर सात साल बाद यानी कि 1774 में ठीक है हाँ सात साल बाद जो है ये बुक को रिपब्लिश किया था, बारह बुक्स में ठीक है बारह बुक्स में कर लिया था अब कुछ <coughs> सॉरी <coughs> जी, कुछ नया ऐड नहीं किया था बस बुक्स को रीअरेंज कर दिया था ठीक है तो ध्यान रखो इस बात को कि जब हमारे पास दस बुक्स हो बुक जाती है तो ये गलती मत कर देना पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया आपसे पूछ लिया कि भाई आ, कितनी बुक्स इंक्रीज की थी तो याद करना बुक्स इंक्रीज तो हुई थी ट्वेल्व लेकिन दो बुक्स इंक्रीज हुई थी लेकिन मैटर इंक्रीज नहीं हुआ था जो ये टेन बुक्स वाला वर्जन था ना इसी को रीअरेंज करके उसको ट्वेल्व बुक्स में बना दिया था क्योंकि वो वर्जिल के एनिड के मोड में इसको बनाना चाहते थे ठीक है जो हमारे क्लासिकल राइटर हैं वर्जिल उनका ये फेमस एक एपिक वर्क है एनीड ठीक है उसके मॉडल पे वो इसको बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने इसको 10 बुक से 12 बुक्स वाले मॉडल में कर दिया अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस बुक की है गाइस वो ये है कि इस बुक के अंदर वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज जनरली हम कोई एपिक पोयम अगर देखते हैं तो एपिक पोयम के अंदर मैंने आप लोगों को

हिरोय uh, कपलेट में क्या कंसेप्चुअल uh, डिफरेंस है मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो कि ब्लैंक वर्स और हिरो कपलेट में क्या डिफरेंस होता है ठीक है मैंने क्या सॉरी क्या लिख दिया है सॉरी सेवनटीन सेवन ये मैं सुबह से गलती कर रही हूँ आज मैं क्लासेस में मैंने एक नेट uh, वाली क्लास में आज सीधा 1476 लिखना था 1776 लिख दिया सीधा 300 साल आगे सॉरी माय बैड

एपिक कपलेट्स में नहीं है कपलेट्स में नहीं है एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स है ये पॉइंट आपने याद करना है बहुत ही जरूरी है अब ये तो हम सबको पता है मैंने आप लोगों के साथ मेरे पेड बैच के बच्चे अग्री करेंगे हम लोगों ने क्या किया था हम लोगों ने जब मिल्टन किया था तो उनका जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था वो दिया था एज ऑफ मिल्टन से शुरुआत की थी है ना और आपको ये भी बताया था उसको हम प्यूरिटन एज भी कहते हैं और प्यूरिटन कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो है रेवोल्यूशन रिफॉर्मेशन काफी कुछ थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सपोर्ट uh, uh, में थे मोनार्की के एंटी क्यों थे वो बोलते थे एक इंसान क्यों हमारे ऊपर अपनी तानाशाही चलाए वो क्यों हमारे ऊपर अपना टेरिकल रूल करे कल पेट लॉस हुई है बिल्कुल हुई है प्रिया क्यों नहीं हुई हां जी तो वो कह रहे थे कि क्यों कोई इंसान हमारा किंग बन के हमारे ऊपर तानाशाही करे क्यों हम पे अपना रोब जमाए अपना राज चलाए ये उनको दिक्कत थी बेसिकली अब उन्होंने क्या किया जॉन मिल्टन ने जब ये वर्क को लिखते हैं इस वर्क की जो बेसिक स्टोरी है इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड बेसिकली यही है कि जो सेटन है लूसिफर है एंजल ल्यूसिफर वो गॉड के टेरनी के अगेंस्ट ठीक है हम ये नहीं बोल सकते कि टेरनी थी या नहीं थी पर गॉड के सिंगल हैंडेड रूल के अगेंस्ट वो बगावत करता है और उस बगावत की सजा उसको मिलती है कि उसको फॉरएवर डेमनेशन मिल जाती है इंटरनल डेमनेशन ही इज सपोज्ड टू बी डैम्ड इन हेल फॉरएवर ठीक है वहां पे जाके वो डेविल या फिर सैतान uh, बन जाते हैं ठीक है जी जॉन मिल्टन की जो पर्सनल लाइफ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है हैं, वो काफी हद तक हमारे पैराडाइज लॉस्ट के सेटन से मिलती जुलती हैं। तो सेटन का जो एजेंडा था इस वर्क में जॉन मिल्टन रियल लाइफ में उसी एजेंडा को जी रहे थे उसी को लिव कर रहे थे तो विलियम ब्लेक ने ये बड़ा ही फेमस एक कोटेशन कहा था ठीक है विलियम ब्लेक ने बड़ा ही फेमसली कहा था कि जॉन मिल्टन इज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट इवन नोइंग कहा था पीबी शैली भी ये मानने वाले थे कि जॉन मिल्टन शायद भगवान की नहीं पूजा करते तो शैतान की ही पूजा करते हैं ठीक है तो बहुत ही फेमस कोट है ये विलियम ब्लेक का वो कह रहे थे कि क्योंकि क्रिस्टानिटी में सही गलत गलत सही के बीच का डिस्टिंक्शन बहुत ही क्लियर है गाइस ठीक है कि आप अगर भगवान की पूजा कर रहे हो आप शैतान की पूजा नहीं कर सकते आप अगर गुड में बिलीव करते हो तो आप इविल को सपोर्ट नहीं कर सकते जॉन मिल्टन ने जितनी ब्यूटी के साथ हेल की डिस्क्रिप्शन दी है इस वर्क में एंड जितने आर्टिस्टिक ब्रिलियंस के साथ सेटन के कैरेक्टर को डिवेलप किया है विलियम ब्लेक कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान जो भगवान में मानता है वो इस तरीके से शैतान को डिपिक्ट कर सकता है ठीक है तो ये उनका कहना था

पता नहीं क्या ही रैंडम बातें चल रही हैं क्लास में तुम लोग फोकस नहीं कर रहे हो क्या पढ़ाई पे अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ प्रिया एक बजे वाला बैच परसों नहीं हुआ था कल तो हुआ है परसों नहीं हुआ था कल इट हैपेंड ओके हाँ जी अच्छा यार ये ना अभी बहुत इधर उधर की जो बातें चल रही हैं प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार नहीं करेंगे क्योंकि एक तो मेरा भी अटेंशन ब्रेक हो रहा है आप लोगों के ये मैसेजेस देख के दूसरी बात ये ये पढ़ाओ, पढ़ाओ। अब जो कर रहे हैं ठीक है तो राजीव मैं अभी बात करूंगी महा पैक कीजिए आप अभी थोड़ा सा पढ़ लें सब लोग मेरे साथ जरा अटेंशन ब्रेक हो रहा है ऐसे मत करो प्लीज हाँ तो मिल्टन की जो एपिक पोयम है ये शुरू होती है फायरी लेक ऑफ हेल में अब कुछ एक्शन पहले हो चुका है पर याद रखो क्योंकि इस पोयम को एपिक पोयम के स्टैंडर्ड्स पे लिखा गया है तो कोई भी एपिक पोयम हमेशा इन मीडिया रेस शुरू होती है इन मीडिया रेस ठीक है ये एक ग्रीक टर्म है जो दी थी अरिस्टोटल ने उन्होंने कहा था कोई भी ग्रेट ट्रेजेडी वर्क या एपिक वर्क जो है उसको हमेशा कुछ स्टोरी पास हो जानी चाहिए उसके बाद उसको हमेशा मिडल से शुरू होना चाहिए ठीक है तो अभी कुछ हो चुका है हुआ क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी हमें बस ये पता है कि जो सेटन है जिन्होंने भगवान के खिलाफ बगावत की थी और उनके साथ हेवन के वन थर्ड एंजल्स इकट्ठे हो गए थे तो वो सारे के सारे एंजल्स इंक्लूडिंग सेटन को फॉल मिल गई है इन द हेल हेल में उनको मिला है इटर्नल डैमेशन ठीक है हेल में इनको मिला है इटर्नल डैमेशन डैमेशन यानी ठीक है डैमेशन यानी नर्क हमेशा के लिए अब नर्क में उनको रहना है ठीक है वहां का पेन और सफरिंग झेलना है अब हेवन में जाने का कोई ऑप्शन इसके पास बचा नहीं है तो स्टोरी अब यहां से शुरू हो रही है तो वो अब, अब हेवन में हुआ क्या था वॉर कैसे हुआ था वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है स्टोरी इन मीडिया ने शुरू होती है ऑफ हेल में सेटन अपनी फॉलन आर्मी के साथ वहीं पे पड़ा हुआ है फिर वहां से उठता है उनका लेफ्टिनेंट बी एल बीएल्स <coughs> बी भी एक फॉलन एंजल है मैं आपको बता दू ये जो ये जितने भी सारे शैतान है हेल के इनके लिए हम टर्म यूज करेंगे डीमन ठीक है और इन डीम का जो हेड है यानी कि सेटन उसको हम बोलेंगे द डेविल ठीक है सो so, यहाँ पे लेफ्टिनेंट इनका है बीएल्स बब वो उठ के जो है इन लोगों को बोलेगा कि चलो सब लोग इकट्ठे हो जाओ ऐसे पड़े रहने से जो है कोई भी फायदा नहीं है फिर ये लोग वहां हेल में अपनी एक काउंसिल बना देंगे इस काउंसिल का नाम है पैंडीमोनियम ठीक है ये काउंसिल में अपनी ये अपनी हेल में काउंसिल बना लेंगे एक पार्लियामेंट बना लेंगे ठीक है उसका नाम है पैंडीमोनियम आज की तारीख में इस वर्ड को यूज किया जाता है एज अ सिनोनिम ऑफ कैओस ये आपके टीजीटी पीजीटी का जो इंग्लिश का पेपर है जो जनरल इंग्लिश का पेपर है उसका भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये कोरिलेट मतलब मिक्सअप हो रहा है ये क्वेश्चन ना लिटरेचर uh, और ग्रामर का मिक्स का क्वेश्चन है इसलिए आपका वहां पे भी बन सकता है अच्छा 150 लोग हैं क्लास में लाइक ऐसे 82 कम से कम 100 लाइक्स तो करो क्लास में लोग बैठे हैं क्लास में और लाइक फट तो अपनी पार्लियामेंट क्रिएट करते हैं काउंसिल क्रिएट करते हैं और डिस्कस करते हैं भाई अब आगे क्या करना है अभी फॉल तो हो गया हमारा या हेल से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन है नहीं इटर डेमेशन हमें मिल गई है अब हम क्या करें भगवान ने जो बगावत भगवान से मतलब ये लड़ाई करके पंगा ही हो गया हमें तो दिक्कत ही आ गई है ठीक है अब हर एंजल अपना हर फॉलन एंजल अपना अपना सजेशन देगा कोई बोलेगा फाइट करते हैं कोई बोलता है फिर से वॉर करते हैं कोई कहता है यहीं पड़े रहते हैं क्या ही करेंगे वॉर करके ठीक है ना बहुत बढ़िया लाइक्स आपने कर दी है एक वाह मजा आ गया <laughs> मैं आप लोगों को हमेशा जो नंबर बोलती हूँ आप लोग इतना एक्सेसिव प्यार दिखाते हो हमेशा उससे ज्यादा ही लाइक्स देते हो मजा आ जाता है देख के गाइस थैंक यू थैंक यू सो मच हाँ जी अब ये सब मिल मिलके जो है अपना अपना सजेशन देंगे फिर आएगा यहाँ पे हमें पता चलेगा कि एक रूमर है ठीक है कहा मिस हो गया हाँ बीएल ये बोलेगा एक न्यू बैटलफील्ड है ठीक है एक नई जगह बनी है अर्थ के नाम से बी सजेशन देते है मैंने सुना है अर्थ नाम की एक नई जगह बनी है जहां रूमर हैज इट ठीक है नया नया उन्होंने बनाया है ठीक है जिसका नाम है मैन और ये अब शायद गॉड का नया फेवरेट क्रीचर है नया फेवरेट कैसे है कि जब हेवन में सेटन थे जब वो लूसीफर की फॉर्म में थे एज एन एंजल सो ही ब्राइटेस्ट

कि ऐसे ऐसे करके अर्थ बनी है वहां पे मैन नाम का न्यू बीइंग क्रिएट किया गया है जो कि एंजल्स जितना पावरफुल तो नहीं है उसके पास सच कोई अलग से पावर्स नहीं है और हम उसको ना करप्ट कर सकते हैं ठीक है हम कुछ कर सकते हैं उसके पंगे ले सकते हैं उसके साथ ताकि भगवान के खिलाफ अपने रिवेंज को पूरा कर ले तो अब ये लोग रिवेंज तो सोचेंगे लेकिन रिवेंज डायरेक्टली गॉड के साथ नहीं उस चीज के साथ पंगा लेंगे जो गॉड की न्यू फेवरेट है यानी कि मैन तो हम रिवेंज लेते हैं चलो ठीक है, इनका है. और पूरी आर्मी इसको बिगाड़ इस अब सेटन जो है अपने हेल के गेट्स पे पहुंचेगा जहां उसको मिलेगी उसकी डॉटर सिन ठीक है तो देख लो कौन है द डॉटर ऑफ डेविल और सिन और डेविल के का हॉरेबल ये सन है डेथ ठीक है इनका ये इनसेस्ट सन है सो so, सेटन की डॉटर है सिन और सिन और और सेटन से बनता है इनका एक और बेटा डेथ ठीक है ये इक्वेशन एक बार देख लो याद कर लेना कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं ये <coughs> ये दोनों जो है हेल के गेट्स को गार्ड कर रहे हैं तो जब लूसीफर जाके सेटन जाके उनको बोलेगा कि गेट्स खोल दो फटाफट से मुझे जाना है मुझे अर्थ देख के आनी है तो वो उसको बोल देगी ठीक है चलो हम भी तुम्हें आ, हम तुम्हारे लिए गेट खोल देंगे सॉरी सिन टू ओपन द गेट्स फॉर हर क्रिएटर नोइंग दैट शी विल फॉलो हिम हिम एंड रेम विद एवर हिज किंगडम इज तो उसको पता है कि भाई ठीक है सेटन जो तो है बेसिकली जहां पे भी जाएगा जाए उसको अपने साथ ही लेके जाएगा तो जहां पे भी वो रूल करेगा वो आ, उसके साथ साथ वहां पे रूल में जा सकती है तो ये कहेंगे चलो ठीक है हम तुम्हें अर्थ में जाने देते हैं ठीक है फाइनली जो है सेटन क्योस से ट्रेवल करता हुआ क्यॉस से ट्रेवल करता हुआ क्यॉस से हा, यानी हाँ पे मतलब है स्पेस सॉरी <coughs> से यानी मतलब है ओपन जो स्पेस है आउट स्पेस ठीक है स्पेस से ट्रेवल करता करता वो अर्थ पे आ जाएगा अर्थ पे आके वो जब हां अर्थ पहुंचेगा तो गॉड ये सब देख रहे हैं

Like तो जीस क्राइस्ट बन के आएंगे ठीक है एंड दर्ड होली ट्रिनिटी द थर्ड पार्ट ऑफ द होली ट्रिनिटी इज द होली स्पिरिट ठीक है तो गॉड अपने सन को बोलते हैं कि देखो देखो सेटन वहां जा रहा है और ये पक्का जो है ये नए ह्यूमन बींग्स के साथ पंगे लेगा। अ डेथ। को दिख रहा है।, है तो वो बोल रहे देखो, देखो, पहुंच गया सेटन अभी वहां जाएगा ये मेरे ह्यूमन बींग्स को करप्ट करेगा वो टेम्पटेशन में पड़ेंगे उनका फॉल होगा ठीक है फिर वो सिन उनके अंदर ट्रैवल करता रहेगा ठीक है और ये सब गॉड पहले से प्रिडिक्ट करके बैठे होते हैं तो फिर वो बोलेंगे कि लेकिन ये मैन जो है ये अंदर से इतना वीक है कि ये बार 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 टेम्पटेशन में पड़ेगा एक बार तो इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा तो किसी ना किसी को अपना खून बहा्रीफाइस के, के, के जो सिंस हैं उसको वॉश अवे करना है तो अलग अलग एंजल्स जो हैं वो अपना आ, हाथ खड़ा करेंगे कि हम जाएंगे हम अपना सैक्रिफाइस देंगे अल्टीमेटली जो फादर जो गॉड का जो बेटा है सन वो बोलेगा कि मैं जाऊंगा अर्थ पे और अपना दे देके जो है मैं तो इट इज हु कम्स टू अर्थ जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था क्यों हुआ था क्रूसिफिकेशन क्योंकि उन्होंने जो है मैनकाइंड के लिए अपने ब्लड को बहाया था ताकि उस ब्लड से हमारे सिंस वॉश हो सके ठीक है तो ये सब कुछ फिर जो है हो जाएगा अब इस पीरियड में <coughs> Satan को जो है वो आ, के पास जो है अंदर आ, देखने जाना है कि भाई क्या है कैसे है लेकिन वो एज अ सेटन एज डेविल ही अगली बेसिकली अगली मतलब जो है में या आ, आ, मतलब मान लो कोई बहुत ही बुरी सी दिखती छिपकली हो जैसे कोई बहुत ही गंदा सा दिखता रेप्टाइल हो स्केली स्किन पे स्केल्स हैं हॉर्न बने हुए हैं लाल रंग की आंखें हैं सो लाइक दैट सो वी हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वैसे लाइक दैट तो अब वो वैसे बनके तो जा नहीं सकता वहां पे उसको जो है अपने आप को कुछ और बनाना पड़ेगा ताकि वो एंट्री ले सके अर्थ में जाने के लिए तो वो अपने आप को एक ब्यूटीफुल चेरब चेरब होता है बेसिकली एक बेबी एंजल ठीक है चेरब होता है एक बेबी एंजल तो वो चेरप बन के जो है अंदर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि अर्थ को गार्ड कर रहा है एंजर यूरियल ठीक है अब मेरे बीच बीज में आपको जो तो नेम्स बताती जा रही हूँ सिन डेथ ठीक है देन हमने पहले किया था द कैरेक्टर ऑफ बी एल्स बब तो ये सारे कैरेक्टर्स आपने दिमाग में रखने हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एवरीबडी ध्यान रखना है सो एंजल यूरियल जो है वो अर्थ को गार्ड कर रहा है यूरियल इज इम्प्रेस एंजल ठीक है कि अरे ये इतना खूबसूरत जो है स्पेशली हेवन से अर्थ अर्थ पे आया है है देखने के लिए कैसी तो वो उसको परमिशन दे देता है जैसे ही वो अंदर जाता है यूरियल को जो है समझ आ जाती है कि अरे ये तो सेटन था ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई वो तो मुझे पागल बना के आगे आ गया है ठीक है सो बेसिकली ये सॉरी सॉरी माई बैड मैंने गलती से अर्थ बोला बीच में Uh, ये लोग जहां पे मैन रह रहा है वहां उस जगह पे जाते हैं उस जगह का जो नाम है हमारे पास वो है या तो आप इसको बोल सकते हो पैराडाइज़ दूसरा नाम है इसका गार्डन ऑफ ईडन गार्डन ऑफ़ ईडन मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में सब बच्चे ये बताएंगे कि गार्डन ऑफ ईडन से मिलता जुलता एक वर्ड है एक नेम है जो शेक्सपियर के एक फेमस कॉमेडी प्ले की सेटिंग है क्या है उस प्ले का नाम और वो नेम क्या है बताइए गार्डन ऑफ ईडन वर्ड से मिलता जुलता सिमिलरली साउंड करता एक और नेम है जो शेक्सपियर के एक फेमस कॉमेडी प्ले की सेटिंग भी है वो प्ले कौन सा है और उस जगह का नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लुबना बिल्कुल ठीक है सॉरी uh, नहीं, नहीं आप लोग सॉरी गार्डन ऑफ मनीष सॉरी यस एज यू लाइक इट वेरी गुड क्या नाम है सेटिंग का क्या नाम है सेटिंग का क्या सेटिंग का तो नाम बता दो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन वेरी गुड ठीक है तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है कहीं कहीं ना कही, उसके अंदर एक है है ऑफ़ ऑफ़ गार्डन ईडन ठीक एज यू लाइक इट ओके गाइस वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू थैंक यू मियान थैंक्स लॉड ओ जीबा दैट इज थैंक यू जीबा जी तो यूरियल्स को चकमा चका के वो जो है पैराडाइज में के गेट्स पे पहुंच जाता है ठीक है और वो वहां जाके अब अब जासूसी करेगा कि कौन है ये नए क्रीचर जो गॉड ने बनाए हैं नए क्रीचर जो हैं हमारे पास वो हैं एडम और ईव अब गॉड ने सबसे पहले तो बनाया था एडम को ठीक है फिर उन्होंने सोचा अरे एडम तो अकेला घूमता फिरता क्या करेगा बोर हो जाएगा तो उसकी कंपनी के लिए किसी और को बना देते हैं तो एडम की एक रिप केज से रिप केज आपकी क्या होती है जिसमें आपके लंग्स होल्ड होके रखते हैं आपकी बॉडी की जो केज है तो केज से एक रिप को तोड़ के उसमें से फिर

जो वो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा ठीक है तो इसी पार्ट में हमने दो आर्क एंजल्स के नाम देख लिए एक तो एंजल यूरियल जो अर्थ को गार्ड कर रहा था दूसरा है गेब्रियल गेब्रियल बेसिकली बाउंसर था ठीक है गेब्रियल को हम यहाँ बाउंसर फिगर की तरह देख रहे हैं ये सारा वो पहरेदारी चौकेदारी कर रहा था और बेसिकली एक वॉरियर था अब गॉड जो है ये सब कुछ देख रहे हैं और उनको पता है कि भाई अब ये Uh, जो uh, सेटर ने तो जो करना है वो कर ही देना है क्यों ना मैं जाके एडम और रिप्ता के मैसेज पहुंचा दूं कि तुम लोग सेफ रहना खतरा है तुम दोनों को तो वो मैसेज जो है पह, पहुंचाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल मनीष बहुत ही सेक्सिस्ट कॉन्सेप्ट uh, uh, है वैसे तो पर हमारा हमारे आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हम देखते हैं पुराने जो वर्क्स हैं उन सब के ऊपर एक फेमिनिस्ट क्रिटिक किया जाना चाहिए हम कर सकते हैं कि किस तरीके से जो uh, uh, पूरी जो विमेन काइंड है ठीक है उनको कैसे मेल्स के दिखा दिया गया है है ना चलो गॉड अब कहते हैं भाई सेटन ने तो जो करना है वो कर ही देना है क्यों ना मैं एडम और ईव तक वार्निंग पहुंचा दूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है तुम बच के रहना तो वो भेजते हैं अपने आर्क एंजल रफेल को

कि अब मेरे बाद मेरी गद्दी कौन संभालेगा तो हु वाज़ द ब्राइटेस्ट एंजल और गॉड का फेवरेट था उसको लगा कि उसको गद्दी मिलेगी हेवन की लेकिन गॉड उसको वो दे देते हैं अपने बेटे अपने सन को तो लूसिफर इस बात पे बगावत करता है कि भाई आपकी क्या तानाशाही है आपकी पहले आपने गद्दी संभाली अब आपका बेटा गद्दी संभालेगा ऐसे थोड़ा ना होता है आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल एंजल ऑफ हेवन आई शुड गेट दिस पोजिशन लेकिन गॉड उसको बोलते हैं नहीं देखो आई एम गॉड आई एम दी ऑल मुझे सब कुछ पता है तो तुम मुझसे मत लड़ो मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा इस बात पे गुस्सा होकर एडम जो है वॉर डिक्लेयर कर देता है तो हेवन के जो है वन थर्ड ठीक है ना वन थर्ड जो एंजल्स हैं वो मिल जाते हैं लूसीफर के साथ और वो बैड एंजल्स हैं और दे विल फाइट द टू थर्ड रिमेनिंग एंजल्स एंड सन एंड गॉड दैट सो दीज आर दू थ्री टू थर्ड पार्ट ऑफ ऑफ द हेवन एंड uh, ये तीन दिन का एक वॉर चलेगा बेसिकली एंड uh, उस वॉर के बाद जो है फाइनली ये बैड एंजल्स की टीम हार जाएगी सजा के तौर पे गॉड इनको हेवन से नीचे ड्रॉप कर देंगे इनको फॉल करवा देंगे इन टू हेल्थ ठीक है तो ये हुआ था बेसिकली तो यहाँ पे जो ये सारी स्टोरी ये सारी स्टोरी नरेट करने वाला है जो ग्रेट बैटल हुई थी हेवन में इसको नरेट करने वाला कौन सा एंजल था रफेल ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट तो वो अब सब कुछ बताएगा और वो बोलेगा कि देखो इस वजह से हुआ है किलसा हुआ है वो अब तुम्हारे साथ पंगे लेने आएगा तुम्हारे और ईव के साथ तो तुम लोग जो है बच के रहना उससे ठीक है तुम्हें ध्यान रखना है कि वो तुम लोगों को पल्यूट ना कर दे करप्ट कर दे तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में है आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है पर ये स्टोरी बेसिकली मैंने आपको बताई दी है फिर वो बताएंगे दिस इज द रीजन राफेल बोलता है फिर ये वो रीजन था दैट गॉड क्रिएटेड मैन क्यू टू रिप्लेस द द एम्प्टी स्पेस दैट फॉलन एंजल्स हैव लेफ्ट इन हेवन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन कर लो सब लोग याद रखो कमेंट सेक्शन में लिख दो क्यों बनाया था ह्यूमन बीइंग्स को कि जो उनका फेवरेट था इससे पहले लूसीफर वो तो चला गया एंजल्स जो है वन थर्ड जो एंजल्स हैं वो चले गए तो अब जो है उन्होंने नया फेवरेट क्रीचर बनाया है एडम और ईव को फिर वो उसको बताएगा कि इनको बनाया कैसे था रफेल देन टेल्स ऑफ गॉड हाउ हाउ ही क्रिएटेड मैन एंड ऑल द यूनिवर्स इन डेज़ कि भगवान ने सात दिनों में जो है दुनिया को बनाया था और एडम को याद है वो कह रहे हैं मुझे वो याद है मोमेंट जब मुझे क्रिएट किया गया था एडम को क्रिएट किया गया था मिट्टी से और जब वो बना उसके बाद उसको एक कंपेनियन देने के लिए जो है ईव को बनाया उसकी रिब से अब ये सारी कहानी सुना के वार्निंग देके रफेल जो है वहां से चला जाएगा <coughs> लेकिन ये Uh, ये इनके काम नहीं आएगी ये ये वार्निंग इनके काम नहीं आएगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक दिन सुबह उठ के ईव बोलेगी मैं एडम तुमसे अलग जाके काम करना चाहती हूँ अब वैसे तो एडम अगर ईव के साथ होता तो वो अब अगेन एक बहुत ही सेक्सिस्ट पॉइंट है बहुत कितना पेट्रियारकल है देखो कि जो वार्निंग देनी है वो दी है एडम को और ब्लेम सारा ईव पे डाला है मतलब अगर आपको लग ही रहा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एडम को क्यों दी गई कि वो ईव को

इमोर्टल थे इनके पास कोई डेथ का प्रॉब्लम नहीं था कोई बीमारी नहीं थी कोई पेन या सफरिंग नहीं था खाना पीना थोड़ा बहुत मेहनत मशक्कत करके खाना पीना खा लेते थे थकते नहीं थे बहुत ही हैप्पी लाइफ थी इनकी वहां पे ठीक है तो वो बोलेगी मैं अलग से जो है काम करना चाहती हूँ तो वहां पे जो है सेटन एक स्नेक बनके स्नेक बनके या फिर सर्पेंट बनके आएगा ठीक है स्नेक या फिर सर्पेंट बनके आएगा Now, वहाँ पे एक ट्री ऑफ नॉलेज है पैराडाइज में एक ट्री ऑफ नॉलेज है तो बाद क्या है ना गॉड ने पूरा ये पैराडाइज गार्डन ऑफ ईडन किसके लिए बनाया था एडम और के लिए तो पूरा ओपन था के लिए जहां से जो खाने खाओ जो उगाना है उगाओ जहां रहना है रहो जैसे रहना रहो बस ये एक ट्री ऑफ नॉलेज है इसके फ्रूट को तुमने नहीं छेड़ना बस इतना बोला था ये वार्निंग दी थी अब ये जो डिसओबिडियंस है जो हमने प्रोलॉग में पढ़ी है हमारे पैराडाइज लॉस्ट के अभी बताया था आपको वो डिसओबिडियंस किस चीज की है कि जब गॉड ने मना किया है उस ट्री से नहीं खाना है फिर भी आप गॉड को डिसओबिडिएंटली जो है आप उनकी बात को अनफॉलो करते हो और आप वो करते हो जो आपका मन कर रहा है आप उस ट्री में से एक फ्रूट खा लोगे ये जो है बेसिकली दिक्कत आती है ठीक है बिल्कुल Uh, बिल्कुल बिल्कुल राजीव सेटन जो है वो हेल के उसमें बर्निंग लेक पे नाइन डेज तक पड़ा हुआ था और वॉर जो है थ्री डेज का चल रहा है शायद मुझसे गलती भी हुई थी मैंने पेड़ क्लास में शायद टेन डेज बोला था इट वॉज थ्री डेज सॉरी माई बैड माई मिस्टेक ठीक है तो ईव uh, को जो वो है वहां पे टेम्पटेशन देने आएगा स्नेक बनके एज अ स्पीकिंग स्पीकिंग स्नेक स्पीकिंग सर्पेंट

तो बोलेगा हाँ मना तो मुझे भी किया था देखो मैंने खा लिया मैं तो बोलने लग गया तुम तो इंसान हो तुम अगर इसमें से खा लोगी फ्रूट को तो तुम तो गॉडेस बन जाओगी तुम तो हवाओं में उड़ने लग जाओगी तुम तो पता नहीं क्या की क्या कर दोगी ठीक है ना तो वो उसको इस तरीके से झांसा देता है टेम्पटेशन देता है बेसिकली ठीक है टेम्पटेशन देगा अनफॉर्चुनेटली ईव उस टेप्टेशन में फॉल कर जाएगी और उसके झांसे में आके वो इस ट्री ऑफ नॉलेज से एक फॉरबिडन फ्रूट को एक एप्पल को खा लेगी जैसे ही वो खाएगी

तो गॉड सेंड्स डाउन द सन टू जज द टू डिस ठीक है सन अब एक जज बन के नीचे अर्थ पे आएंगे सॉरी <coughs> और वो बेसिकली एक जजमेंट देंगे इन दोनों लोगों की तरफ जिन्होंने डिसोबिडियंस की है तो पहले तो वो बोलेंगे सीधा मौत की सजा फिर ये दोनों जमीन पे पड़ जाएंगे हाथ जोड़ेंगे सन के आगे कि नहीं नहीं प्लीज हम मरना नहीं चाहते हमें आप कुछ हमें एक मौका दो अपने आप अपनी गलती को सुधारने का ठीक है जिसको कि हम यहाँ पे बोलते हैं रिपेंटेंस अब मैं कुछ टर्म्स बोलूंगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है याद रखिए उसको वो बोलेंगे हम अपनी गलती का अपनी गलती का प्रायश्चित करना इज रिपेंटेंस ठीक है तो बोलेंगे हमें रिपेंट करने का मौका दो हमें प्रायश्चित करने का मौका दो हमें ऐसे मत सजा दो तो कहते हैं चलो फिर मैं तुम्हें ये ऑप्शन देता हूँ कि तुम्हें जो मौत है अभी नहीं आएगी कुछ टाइम बाद आएगी इस पीरियड में तुम अपने बिहेवियर को चेंज करके दिखा सकते हो अगर तुम फिर भी सिंफुल रहे तो तुम्हें हेल में जाना पड़ेगा यानी डेमेशन झेलनी पड़ेगी लेकिन अगर जो है तुमने अपने एक्शंस uh, को अच्छा रखा और उन वर्चूज को फॉलो किया जो बाइबल में मेंशन है जो गॉड के वर्ड्स हैं तुम गॉड के तरीके से रहे और उनके वर्ड को हमेशा ओबिडेंटली फॉलो करते रहे तो तुम्हें जो है सेल्वेशन मिल जाएगी सेल्वेशन का मतलब क्या है heaven में जाना और हेवन ऐसी जगह है जहां पे कोई पेन नहीं है सफरिंग नहीं है कोई डेथ नहीं है कुछ नहीं है दिस इज आइडियल प्लेस ठीक है तो ये उनको ऑप्शन मिलता है अब साथ ही साथ जो है इनको ये भी सजा मिलती है कि अब एडम को मेहनत मशक्कत करके खून पसीना बहा के खाना कमाना पड़ेगा और ईव जो है उसको चाइल्ड बर्थ का लेबर पेन्स का जो पेन है वो सहना पड़ेगा ठीक है तो ये जो है अब फॉर के लिए मैन और वुमेन के लिए अब ये वाला जो एक एक इनको ये सजा जो है मिल जाती है पर इस ऑप्शन के साथ कि अपनी गलती को वो इम्प्रूव कर सकते हैं रिपेंटेंस कर सकते हैं और वो हेल में जाने से बच सकते हैं अब इस सब के बाद जो है एडम और ईव एक दूसरे को ब्लेम करेंगे ठीक है एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोलेंगे गालियां देंगे ये है वो है लेकिन फैक्ट तो ये है कि पैराडाइज जो है इनसे छिन चुका है अब गॉड इनको ये सजा देने के लिए कहाँ भेजेंगे अर्थ पे उनको अपना गार्डन छोड़ के पैराडाइज छोड़ के अर्थ पे जाना पड़ेगा जहां पे सारी पेन्स और सफरिंग्स हैं जैसे ही अर्थ पे पहुंचेंगे हेल के गेट्स खुलेंगे और सेटन के जो दोनों बच्चे हैं सीन और डेथ वो भी वहां पहुंच जाएंगे डेथ और सेटन जो है वो भी अर्थ पे पहुंच जाएंगे मैन को हमेशा के लिए पल्यूट करने के लिए ठीक है तो इसके साथ ही जो है लास्ट में हम देखते हैं कौन सा एंजल है आर्क एंजल जो एस्कॉर्ट करता है एडम और ईव को आउट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन इट इज माइकल ठीक है एक और एंजल आ गया एंजल्स के नाम सारे मेन कैरेक्टर्स के नाम आपने याद रखने इंपॉर्टेंट है कौन सा वो आर्क एंजल है जो कि एस्कॉर्ट करेगा एडम और ईव को आउट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन इट इज माइकल तो माइकल जो है इनको अब पूरी फिर फ्यूचर दिखाएगा सारा अर्थ का कि अर्थ पे क्या होगा वो सारे बिब्लिकल इवेंट्स जो हैं वो एडम और को बताएंगे और इस प्रॉमिस के साथ कि कोई बात नहीं यू हैव अ चांस टू रिपेंड योर सेल्फ डोंट वरी और अर्थ पे जाके जो है गॉड को ओबिडेंटली फॉलो करना गॉड के वर्ड को ओबीडेंटली फॉलो करना और किसी सिन के टेम्पटेशन में मत पड़ना ठीक है इसके साथ ही जो है वो इन दोनों को एस्कॉर्ड कर देंगे आउट ऑफ गार्डन यहाँ खत्म होती है हमारी कहानी बस ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि जो फॉल है मैनकाइंड का वो बुक नाइन में होता है ठीक है ना ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउट ऑफ द ट्वेल्व बुक्स जो फॉल हो रहा है मैनकाइंड का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बुक नाइन में हो रहा है ठीक है अब इसी की एक जो समरी है चैप्टर बाय चैप्टर वो मैंने अपने पेड बैच में दी है ठीक है तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो लोग आप लोग वहां से जो है कवर कर सकते हैं ठीक है इसी के साथ जो है मैं अपनी क्लास को भी खत्म करना चाहती हूँ पहले तो मुझे बता दो भाई, क्लास लगी कैसे हाँ कैसी लगी क्लास क्लास कैसी लगी ये बता देना और हाँ जी थैंक्स फॉर वॉचिंग फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को ठीक है ट हो गए हैं क्लास खत्म होते होते तक 200 हो जाएं ठीक है और थैंक यू सो मच वर्षा आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया और आज आप लोग जो है समझ गए हैं कि ये पैराडाइज लॉस्ट है क्या और समरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है ठीक है आई होप वो सब क्लैरिटी आपको मिल चुकी हो और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे फिर से रिमाइंड करती हूँ नेट के हमारे नए बैचेस आ चुके हैं डी ट्रिपल एस बी का नया बैच 29 से शुरू हो रहा है मेरा इंग्लिश वाला लिटरेचर का पार्ट फटाफट से आप लोगों ने जो है वहां ज्वाइन कर लेना है ज्वाइनिंग का प्रोसीजर अभी कोई बोल रहा था महा लेना है मैम मैं प्रोसीजर आपको समझाना चाहती समझा देती हूँ एक बार देख लो पहले वैसे जितने लोगों ने पहले बैच लिया हुआ उनको तो पता ही है पर जो अभी नया लेना चाहते हैं उनको बता देती हूँ प्रोसीजर क्या है हमारे पास

तो आपको अगर सिर्फ मेरा इंडिविजुअल कोर्स लेना है तो इंडिविजुअल कोर्स ले लेना इंग्लिश का ठीक है ये एक दो दिन से शुरू हो गया निधि मैम की ग्रामर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं इसमें मेरी शुरू हो रही है लिटरेचर की मंडे से शाम को छह बजे ठीक है जी तो ये कर लो बाकी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आपको टीचिंग का महापैक ले लो कल तो डबल वैलिडिटी पीरियड भी चल रहा था हमारा आज नहीं है इसमें क्या फायदा ना हजार रुपए ज्यादा देखिए आप फ्री ई बुक्स और फ्री टेस्ट सीरीज इसमें मिलती हैं ठीक है और डिस्काउंट मिलेगा आपको वेबसाइट पे 77 परसेंट का एप्लीकेशन पे 78 परसेंट का तो ये जो पंद्रह हजार का कोर्स है इसमें आप जब डिस्काउंट कूपन कोड लगा दोगे उसके बाद ये कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ कितने रुपए का पंद्रह हजार का कोर्स पड़ेगा आपको सिर्फ थर्टी फोर हंड्रेड रुपीज का ठीक है ना हमेशा हम बोलते हैं ट्वेंटी फोर सेवन पे ना अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ठीक है तो ये कोर्स आपको पढ़ रहा है थर्टी फोर हंड्रेड रुपीज का वन ईयर की वैलिडिटी के साथ तो सारे सब्जेक्ट्स और फ्यूचर में आने एक साल तक जो भी पेपर आएगा पीजीटी किसी भी स्टेट का आप इसके थ्रू आपको वो सारे फ्री में मिल जाएंगे ठीक है ना तो ये आपकी एंट्री है एक साल के लिए आपने एंट्री ले लिया बडा ट्वेंटी फोर सेवन के वर्ल्ड में हमारे यूनिवर्स में एक साल तक तो कोई भी टीचिंग एग्जाम आप इससे क्वालिफाई कर सकते हो फ्री में ठीक है और इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी मिलती है ये भी फायदा है सिर्फ हजार रुपए ज्यादा देके ठीक है कोड लगाना मत भूलना ठीक है कोड याद रख लेना मेरा साथ के साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ देखो नेट का भी मैं आपको बताना दिखाना चाहती हूँ हमारा नेट का जो मेरा बैच जो है वो भी लॉन्च हो गया है तो यूजीसी नेट में भी आप जा सकते हो कॉम्बो बैच देख लो बहुत बढ़िया है हमारा कॉम्बो बैच में क्या फायदा है ना सिर्फ पांच हजार रुपए में अगर आप सिर्फ इंग्लिश का कोर्स लेते हो वो भी आपको चार हजार का पड़ेगा आप सिर्फ हजार रुपये तो पांच हजार उसमें आपकी इंग्लिश की पेपर की भी तैयारी हो गई उसमें आपकी पेपर वन जो जनरल पेपर है उसकी भी तैयारी हो गई है साथ के साथ इसमें भी मिलेंगी आपको फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री ई बुक्स और बारह महीने की वैलिडिटी क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्जाम का रेंज छोटा होता है ठीक है यहाँ पे जो रेंज है हमारे पास बड़ी है क्योंकि हर छह महीने में ही पेपर एक बार होता है तो हमने इसकी वैलिडिटी लंबी रखी है एक साल की यानी एक बार पांच हजार का चार हजार का बैच ले लिया तो दो आप इसमें से निकाल पाओगे ठीक है स्टडी प्लान देख लेना बड़ा इंटरेस्टिंग है बड़ा साइंटिफिकली बहुत बढ़िया से मैंने क्रिएट किया है है पे ठीक है ना पेपर वन पेपर टू दोनों का स्टडी प्लान अटैच है यहाँ से और ये कोर्स भी देखो बाईस का है ठीक है बाईस हजार रुपए का ये कोर्स है लेकिन जब कोड लगाओगे मेरा वाई फाइव फोर टू उसके बाद ही आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ पांच हजार रुपए का

ठीक है और अगले साल जो है अब नेक्स्ट पैच आएगा तो अगर आपको लगता है डिसम्बर अटेम्प्ट आपको सीरियसली देना है तो अभी ही टाइम है एनरोल करने का सिमिलरली डी ट्रिपल एस भी देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हाथ में आई है और इसकी तैयारी और किसी पेपर की तरह हो नहीं सकती आपको इसके लिए भी जो है एक अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी बाकी टीजीटी पीजीटी से अलग नेट लेवल की अप्रोच तो बैच शुरू हो रहा है फटाफट से एनरोल कर लिए सबके सब और झारखंड का पीजीटी ना हम अगले महीने लॉन्च करेंगे इसलिए मैं आपको कह रही हूँ महापैक ले लो इसीलिए बोलती हूँ अगले महीने झारखंड लॉन्च हो रहा है ठीक है अगेन पहले के बैचेस में काफी ज्यादा मतलब बड़े बड़े बैचेस बन गए थे उस वजह और हमने एक्स्ट्रा बैचेस भी बनाए तो हर बैच की स्ट्रेंथ काफी काफी है ये वाले बैचेस जो कंपेरेटिवली थोड़े से छोटे रखेंगे ठीक है थोड़ा सा पढ़ाना भी इजी हो जाता है परसों मिलती हूँ हम अपने टीजीटी पीजीटी की क्लासेस को एक लेवल और आगे लेके जाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे और शाम को छह बजे से मैं आपको मिलूंगी मेरे डी ट्रिपल एस पी के बैच में तो फटाफट से सब लोग एनरोल कर लो ओके सी यू बाय है